रिएक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, तो रीमर टीमन रिएक्शन में एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन है। एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन इस कार्बन पे है या नीचे वाले कार्बन पे है, तो हम लोग यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ करते हैं, और इस चीज को ध्यान रखना आगे रीमर टीमन रिएक्शन, कोल-स्मिट रिएक्शन, सब जगह इस तरह का चीज यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आराम से यहाँ के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। अगर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में गया तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड पार्ट यहाँ माइनस चार्ज, फिर दूसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया तो इस केस में हम लोगों का यहाँ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और इसके आगे अगर जाएंगे तो फिर पहला ही वाला जैसे स्ट्रक्चर आएगा कुछ नया निकल के नहीं आने वाला है। तो इस केस में जैसे हम लोग के इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर कंसिडर करें, केवल इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इन तीनों पार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल हुआ, इसका मतलब ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज। उसके अलावा अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोगों का यहाँ रिएजेंट में एस सी एच ओ दे रखा है। एस सी एच ओ का मतलब एस सी डबल बॉन्ड ओ एच, और हम लोग बचपन से अभी तक 8 बार या 7 बार डिस्कशन कर चुके, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंडर है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे ये कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं कि हम लोग का जो फॉर्मल्डिहाइड है, इनफैक्ट फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और भी एल्डिहाइड या कीटोन होता तो यूज कर सकते थे, ये पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों में से जिसको भी अटैच कराना है कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ही कराना होगा। तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके नीचे डाल देंगे, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पार्ट है। तो हम लोगों के इन दोनों सिनेरियोज में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज था वो कार्बन वाला पार्ट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होकर के ओ माइनस का फॉर्मेशन हुआ, तो ओ माइनस वाला पार्ट फिर एच प्लस कहीं से गेन करके आराम से ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिफिकेशन होना चाहिए, एसिडिफिकेशन होकर के आराम से यहाँ पे एच प्लस गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और चीज हो सकता है, करेंगे भी डिस्कशन इस चीज का, ओ माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन हुआ, या दूसरे वाले साइड की अगर बात करें तो दूसरे वाले साइड में भी हम लोगों का नीचे वाला कार्बन, मतलब नीचे वाला जो है नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन से अटैच हुआ, जिसके ऊपर एक ओ माइनस बनेगा, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे कि सोच के देखो, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है अगर इसको हटाते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, इनफैक्ट ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है। तो उस केस में यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट एसिडिक नेचर का होगा, जिसके वजह से यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ के एच प्लस को कंबाइन करके इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है। अगर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, इस कार्बन वाले पार्ट में जो ओ माइनस है वहां वाले पार्ट पे हम लोग आराम से एच प्लस एड कर सकते हैं, और जहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ से हटाए वहां पे माइनस चार्ज डाल सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे भी रिएक्शन कराए, सेम टाइप का चीज यहाँ पे करा सकते हैं, यहाँ से ओ माइनस वाला पार्ट एच प्लस के साथ कंबाइन करके इसको यहाँ से हटाएगा, मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग का माइनस चार्ज, और कार्बन वाले पार्ट के ऊपर सी एच टू और OH ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज OH में कन्वर्ट हो गया। फिर कुछ नहीं करना है, इसको रेजोनेंस में ले जाओ और उसके बाद इन ऑल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको भी रेजोनेंस में लेकर के जाओ, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक चाहिए, ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस में लेके जाएंगे यहाँ ओ माइनस आएगा, उस ओ माइनस को मीडियम से एच प्लस एड करके उसको आराम से OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग के फॉर्मेशन में एक तो यहाँ सी एच टू ओ एच का फॉर्मेशन हो गया, और एक नीचे वाले साइड से हम लोगों के सी एच टू ओ एच का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बनाना था, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे सी एच टू ओ एच, ओ एच वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में पारा पोजिशन पे सी एच टू ओ एच। तो आराम से इस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन में एग्जैक्टली सेम ही पार्ट है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हम लोग रिएजेंट थोड़ा अलग टाइप का यूज करते हैं, तो उसमें एक इंटरमीडिएट होता है कार्बीन, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह का चीज डिस्कस करते हैं कार्बीन,
ये कार्बीन वाले पार्ट को हम लोग वहां पे एज ए इंटरमीडिएट यूज करते हैं, बट रिएक्शन का जो डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन देख लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, आराम से रिमर्टिबल रिएक्शन वाले पार्ट को डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। और कोई डाउट इसके अलावा? सर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते? इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो ये भी तो देखो ना कि हम लोग का जो मीडियम है वो क्या करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली करा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे स्ट्रांग है क्या? जैसे एक ऑप्शन हो सकता था कि यहाँ वाले पार्ट पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे जो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स है उन सारे इलेक्ट्रोफाइल्स में हैलोजन के ऊपर प्लस चार्ज, अच्छा सवाल है एक्चुअल में, हैलोजन के ऊपर प्लस चार्ज, NO2 के ऊपर प्लस चार्ज, SO3H में प्लस चार्ज, या फिर कार्बन प्लस चार्ज, या फिर असाइल हैलाइड में प्लस चार्ज, कहीं भी न्यूट्रल कंपाउंड नहीं था, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड एरोमेटिक बिहेवियर को ब्रेक नहीं करा पाएगा, तो इसलिए वहां पे हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भी एक लॉजिक हो सकता था, बट यहाँ पे उस तरह का चीज नहीं होने वाला है। और कोई डाउट? ये अच्छा सवाल है, मतलब एक्चुअल में वो अच्छा सवाल पूछने वाला चीज है ये। और कोई डाउट इसके अलावा? सर तो बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते? अब फिर से बोले एक बार, बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते ये? ऐसा हाँ जिंदगी में ऐसा चीज बताया कभी? जल्दी बोल, ऐसा जिंदगी में आज तक बताया कभी? फिर हम बोले भी थे कि एनसीईआरटी में बहुत पहले बताया था ऐसा, कि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, बट वो समझने के लिए दे रखा है, उसको यूज नहीं करना है कभी, ऐसा होता नहीं है। इसी चीज को हम लोग इंडक्टोमरिक इफेक्ट बोलते हैं, यूज नहीं करना इस चीज को। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट के कुछ अलग अलग केसेस डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डाल देना उसी कॉपी में आगे, सम अदर केसेस ऑफ हीटिंग। और एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन केवल यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन के अलावा और भी चीजें और भी सिनेरियोस यूज करते हुए चल रहे हैं। तो सम अदर केसेस ऑफ हीटिंग कर लेते हैं, हीटिंग के ब्रैकेट में लिख लो डी कार्बोक्सिलेशन। बट एक चीज ध्यान रखना, आगे जैसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो केवल यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, कहीं कहीं पे डिहाइड्रेशन भी होगा, और वहां पे तुम लोग एक छोटा सा आइडिया लगेगा डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में कि हम लोगों का एक मिनट थोड़ा। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग डिहाइड्रेशन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोगों का वहाँ पे कुछ कुछ यूनिक केसेस निकल के आएगा। उसमें हम लोग जो ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है उसका एक छोटा सा इंसाइट ले पाएंगे कि अगर हम लोग का ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होता है तो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। बट जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में सबसे पहला केस जो हम लोग को ध्यान रखना है, इनफैक्ट ये तो हम लोग को ध्यान रखना ही रखना है, ये लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किए थे, मेंशन कर लो इसमें, इफ बीटा गामा अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, इफ बीटा गामा अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। ये थोड़ा यूनिक चीज है, बीटा गामा अनसैचुरेशन का मतलब शायद लास्ट क्लास में बता चुके थे, अब एक और फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के पास ये कंपाउंड दे रखा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच टू अल्फा कार्बन होगा हमेशा, अल्फा कार्बन से जो भी हम लोगों का एटम अटैच होगा बीटा एटम और गामा, हम बीटा गामा कार्बन की बात नहीं कर रहे, बस बीटा गामा सेंटर की बात कर रहे हैं। तो ये जो बीटा गामा सैचुरेशन वाला पार्ट है, अगर इस चीज को कंसिडर करते हुए काम करे, तो यहाँ पर लोगों को दिख रहा है कि बीटा एटम और गामा एटम के बीच में एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें होगा क्या नॉर्मली, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हीटिंग करते हैं, तो इस केस में हम लोग को सोडा लाइम की जरूरत भी नहीं है, बिना सोडा लाइम के ही हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। इस केस में अगर हम लोग हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन एक चीज हम बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना है, एक्चुअल में प्रोडक्ट ये नहीं बनता, प्रोडक्ट कुछ और बनता है और टॉटोमराइजेशन होकर के हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलता है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हीटिंग करने पे हम लोग को प्रोडक्ट में ये चीज मिलेगा और ये कंपाउंड वाला पार्ट इनॉल अपने आप को आराम से कीटोन वाले पार्ट में टॉटोमराइज करके कन्वर्ट कर लेता है। मतलब टॉटोमराइजेशन के वजह से हम लोगों को ये पार्ट दिखाई देता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि हीटिंग करने से काम हो रहा है यहाँ पे और हम लोग को इस तरह का कुछ एक कन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है। क्या मैकेनिज्म है आते उस चीज पे, रिएक्शन तुम लोग नोट कर लो तब तक। चलो ध्यान दो, सबसे पहला चीज तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में एसिडिक हाइड्रोजन है अपने पास, और जो कीटोन है इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो हो सकता है कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में आराम से यहाँ पे रिएक्शन वाले पार्ट में एसिड बेस टाइप का रिएक्शन कुछ कंसिडर कर ले, इस तरह की पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें सारे स्टेप्स को हम लोग फिर से, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन के अब पहले हम लोग कहीं कहीं पे कंसिडर करते थे, सिमिलर टाइप से सारे स्टेप एक ही बार में होते हैं। क्या क्या स्टेप है उसको ढंग से देखो यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट अपना एच प्लस छोड़ने की टेंडेंसी में रहेगा। ये सारा स्टेप एक ही बार में हो रहा है, बट हम एक एक करके उसको समझाने के लिए मेंशन कर रहे हैं। पहले स्टेप में एच प्लस के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, जिसकी वजह से एच प्लस अपना बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर डाल देगा। दूसरा चीज, जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर वाला पार्ट या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, ये थर्ड स्टेप होगा, जिसके वजह से हम लोगों का जैसे रेजोनेंस हो सकता है, बट रेजोनेंस से हम लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो इस केस में क्योंकि हम लोग हीटिंग कर रखे हैं, तो इस केस में हम लोग का जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अपने बगल वाले पार्ट में फोर्थ स्टेप, जिसके वजह से यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक करके आराम से ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। फिर से एक बार स्टेप हम सारा का सारा मेंशन कर रहे हैं, ढंग से देखते जाना, इसके बाद हम मेंशन नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये अपना लोन पेयर एच प्लस के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से एच प्लस अपना बॉन्ड छोड़ करके हटता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा होता है, ये अपना सेकेंड स्टेप है। जो माइनस चार्ज यहाँ डेवलप हुआ वो तुरंत कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, जिसके वजह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके बगल वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होता है फोर्थ स्टेप, और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हुआ तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे स्टेप को अगर ढंग से कंसिडर करें, तो इस स्ट्रक्चर को फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो भी बॉन्ड्स है उसको यूज करेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर हम अच्छे से कंसिडर करना शुरू करें, तो जैसे एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये चीज, ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट हम लोग के पास दे रखा, इस हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसको हम ब्रेक करके हटा दे रहे हैं, पहला चीज। उसके बाद ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे केवल एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, और क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर के बगल पे शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे उसी पार्ट पे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बना दे रहे हैं। और उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का एच का एडिशन हो रहा है। तो ये इनॉल वाला पार्ट अलग हो गया, CO2 वाला पार्ट अलग हो गया, इस चीज को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन आराम से बोल सकते हैं। मतलब इस स्टेप में हम लोग का CO2 रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इस चीज को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने रिएक्शन में
एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का CO2 अलग हट गया और दूसरा हम लोग का एक इनॉल का फॉर्मेशन हो गया, और जो इनॉल बना वो इनॉल वाला पार्ट क्योंकि लेस स्टेबल होता है तो आराम से ऑटोमराइजेशन करके प्रोडक्ट वाले पार्ट में कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक ही स्टेप हम लोग एक्स्ट्रा एड अप करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से कंसीडर कर सकते हैं ऑटो बेसिस को। और रिएक्शन में एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो एक हम चीज यहाँ पे एड अप कर सकते हैं अगर चाहो तो, बस एक इन्फॉर्मेशनल के लिए। अगर हम लोगों को ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो हम लोग एड अप कर सकते हैं आराम से ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट। यहाँ पे हम लोगों का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसा था वैसे ही रह गया, उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो। तो ध्यान रखना है अगर हम लोगों के बीटा गामा पे अनसैचुरेशन है तो हम लोग आराम से बिना डीकार्बोक्सिलेशन के लिए बिना सोडा लेम के भी डीकार्बोक्सिलेशन कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी जो केसेस हैं वो इन्हीं केसेस में थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन होगा ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाले पार्ट की अगर बात करें तो एक चीज तो ध्यान रखना है जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। इस तरह का एक सिनेरियो हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूछा है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब हीटिंग करो या सोडा लाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में ए कंपाउंड और बी कंपाउंड में अगर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन यूज करेंगे तो ये चीज यहाँ से हटेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले केस में नेगेटिव चार्ज को केवल एक माइनस एम मिल रहा है जबकि दूसरे वाले केस में दो दो माइनस एम मिल रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सेकेंड वाले केस में है, तो रेट ऑफ बी विल बी हायर देन रेट ऑफ ए। डीकार्बोक्सिलेशन का एक सिंपल सा सिनेरियो ऐसा कंसिडर किया जा सकता है पहला चीज। बट मोस्टली इसमें प्रोडक्ट के बारे में ही कमेंट करने को पूछा जाता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो। अब उसमें जैसे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, केसेस मल्टीपल होने का मतलब जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम लोगों को ये चीज बता रखा है, ओम चाप से बता रखा है। उस केस में ऑक्सैलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही मतलब आपस में अटैच होता है, मेलोनिक एसिड में एक कार्बन बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लो कि हम लोग मेलोनिक एसिड लेकर के चलते हैं तो हम लोग के स्ट्रक्चर में कार्बन के रिस्पेक्ट में दो COH ग्रुप वाला पार्ट एक ही कार्बन के ऊपर होगा। अब एक चीज सोच के देखो, इसमें इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ऊपर है उसको हम इलेबोरेट कर लेते हैं, नीचे वाले COH को वैसा ही छोड़ देते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से अटैच कार्बन वाले पार्ट को हम लोग बीटा एटम बोल देते हैं और बीटा गामा पे अनसैचुरेशन है। तो अगर हम लोगों के बीटा गामा वाले पार्ट पे अनसैचुरेशन है तो इसका मतलब हम लोग हीटिंग करने पे यहाँ से COH वाले पार्ट का CO2 हट जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो अगर ये कंपाउंड दे रखा जिसके एक ही कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और COH ग्रुप भी है तो हीटिंग करने पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा बीटा गामा अनसैचुरेशन चेक करना ही करना है, ये बहुत ही मस्ट है। हीटिंग करने पे हम लोगों का डीकार्बोक्सिलेशन होगा CO2 हटने के बाद प्रोडक्ट वाले पार्ट में, एक CO2 तो हट गया, बचा के अपने पास तो CH3 के साथ COOH ग्रुप वाला पार्ट। तो ऐसा नहीं कि केवल कीटोन है, कुछ भी ग्रुप दे उससे हम लोग को मतलब नहीं है,
हर एक केसेस में अगर बीटा गामा अनसैचुरेशन है तो हीटिंग करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आराम से CO2 हटा करके हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान सा काम है, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट बनाना है ये चीज पहचानना बस मेन काम है। जैसे ही पता चलेगा डीकार्बोक्सिलेशन है तो बस CO वाले पार्ट का CO2 हटा दो, करना ही कुछ नहीं है, आराम से अपना आंसर निकल के आ जाएगा। इसके आगे जो भी एग्जांपल्स हम मेंशन करते जाएंगे, समझाते भी जाएंगे, तुमको नोट डाउन भी करते जाना है, क्योंकि मतलब सेम ही चीज रिपीट होगा, बस उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज सेम चीज रिपीट होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते जाएंगे हम लोग, मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है वो एक एक करके देखते चले जाएंगे। और जिसको जहां भी डाउट होगा वो आराम से पूछते जाएगा। मान लो अगर ऐसा सवाल दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन COH, इसमें तुम लोगों को हम वर्कशीट देंगे, उसको जरूर ट्राई कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न के, लेकिन ट्राई करके देख लेना है तुम लोगों को, इसीलिए मतलब एग्जांपल्स में तुम ही लोगों को मोस्टली ट्राई करना है चीजें, वो एग्जाम्पल्स के साथ देखते चले जाएंगे। अगर इसमें हीटिंग करेंगे तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि एक ही कार्बन के ऊपर दो CH ग्रुप है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अगर अल्फा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ही एटम के ऊपर दो एच ग्रुप तो जेम डाइओल बोलते थे, जेम डाइहैलाइड बोलते थे, तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहा तो हीटिंग करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे अगर हीटिंग करते हैं तो एक ही कार्बन के ऊपर दो COH ग्रुप है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक COH यहाँ से आराम से हट जाएगा, दूसरा इधर साइड से भी एक COH हटेगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट इसके अलावा जिस कार्बन के ऊपर COH प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड बीटा गामा अनसैचुरेशन है, सेम टाइप से दूसरे साइड से भी देखे तो अल्फा पे बीटा गामा अनसैचुरेशन है, तो पहले COH वाले पार्ट को हम लोग अल्फा के रिस्पेक्ट में हटा सकते हैं, फिर दूसरा COH वाला पार्ट भी हम लोग का हटेगा क्योंकि बीटा गामा अनसैचुरेशन है, फिर तीसरे साइड से COH, चौथे साइड से COH, इसका मतलब टोटल चार CO2 वाला पार्ट हम लोग का रिमूव होगा। अगर चारों CO2 वाला पार्ट रिमूव हो गया तो हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से साइक्लोहेक्सेनॉन मेजर प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जिसको भी जहां भी डाउट होता जाएगा पूछते चला जाएगा, और हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा चीज है जो शायद याद होगा तुम लोगों को, अगर हम लोग माइनस एम ग्रुप की बात करते हैं तो माइनस ग्रुप वाले पार्ट का बड़ा ही बेसिक सा डेफिनेशन था, अगर एटम के ऊपर अनसैचुरेशन है तो इस चीज को हम लोग माइनस एम ग्रुप बोला करते हैं। तो इस केस में जैसे NO2 वाला पार्ट माइनस एम ग्रुप है, तो इसका मतलब यह है कि NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अल्फा कार्बन से अगर एक माइनस एम ग्रुप अटैच है तो इसका मतलब बाई डिफॉल्ट अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन और गामा कार्बन पे अनसैचुरेशन होगा, क्योंकि माइनस एम का डेफिनेशन ही यही है, पहले एटम पे अनसैचुरेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम लोग का अल्फा कार्बन पे एक माइनस एम ग्रुप है तो आराम से हम लोग हीटिंग करने पे डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, यहाँ से CO2 हटेगा, जब CO2 हटेगा तो एक कार्बन बचेगा CH3NO2, हम लोग का प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। इस एक केस का मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर ऐसा सिनेरियो दिया कि मान लो ये सवाल दे रखा है, तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है और उसमें हम लोग गलती भी कर देते हैं हमेशा, कि हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट हीटिंग करा रहे थे तो उस केस में हम लोगों के पास पहले इनॉल बना था फिर टॉटोमराइजेशन हुआ था, तो इनॉल बनने का मतलब है कि हम लोग का ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट जैसे NO2 में दे रखा है, ये पाई बॉन्ड पहले इधर शिफ्ट होगा तब ये चीज हटेगा, फिर हम लोग को वापस से टॉटोमराइजेशन होकर के स्ट्रक्चर निकल के आएगा।
तो अगर मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में हम लोगों का अल्फा कार्बन अल्फा से अटैच बीटा और गामा के बीच में अनसैचुरेशन है, तो अपना कंडीशन फुलफिल हो गया। बट अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो हमेशा अब एक चीज एडिशन के साथ ही क्वेश्चन ट्राई करने, मतलब अपने हैबिट पर रखना है तुमको, बीटा गामा अनसैचुरेशन में जो पाई बॉन्ड है उसको उठा के अल्फा बीटा की तरफ शिफ्ट करो। अगर पाई बॉन्ड अल्फा बीटा की तरफ शिफ्ट हो पाएगा तभी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है, ये भी एक कंडीशन होगा। इस केस में अगर इसको उठा के हम लोग बगल में शिफ्ट कर पाए तो यहाँ से ये COOH वाले पार्ट को आराम से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम लोगों का शिफ्टिंग वाला पार्ट हो गया इधर, तो इस केस में यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे कार्बन 14 है। बट एक चीज सोच के देखो, जैसे कीटो इनॉल में तो टॉटोमरिज्म होता है, बट अल्कीन में थोड़े ना टॉटोमरिज्म होता है। अल्कीन इधर है कि उधर है उसका क्या मतलब है? तो अल्कीन वाले पार्ट में अगर टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही पार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग के डीकार्बोक्सिलेशन में सीधा इसको हटाने से प्रोडक्ट नहीं बनने का है, हम लोग उसको हटा तो रहे हैं, हटाने के साथ साथ हम लोग हमेशा बीटा गामा अनसैचुरेशन को अल्फा बीटा पे शिफ्ट करा के ही प्रोडक्ट बनाया करेंगे। फिर ये चेक कर लेना कि टॉटोमराइजेशन है, तो टॉटोमराइजेशन करा के फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आने वाला है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन हम लोग गलती क्या करेंगे। तो इसलिए हैबिट ही बनाना कि हम लोग का पाई बॉन्ड बगल पे शिफ्ट हो रहा है और ऐसा ऐसा कंसेंट्रेशन लेके चला जा सकता है। उसके अलावा हीटिंग वाले पार्ट पे कुछ और भी केसेस है, और उस तरह के केसेस को भी हम लोग डिस्कस करना होता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग कभी किसी सॉल्ट को यूज कर ले, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट वाले टाइप के स्ट्रक्चर को यूज कर ले, तो भी हम लोग का डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का चीज हो सकता है। बट वो सब बहुत स्पेसिफिक केसेस है, उनको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के फॉर्मेट में और अदर अदर फॉर्मेट्स में आराम से कंसिडर करते चले जाएंगे। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे इसके नीचे हम छोटा सा हेडिंग कंसीडर कर सकते हैं, केसेस फॉर डिहाइड्रेशन। केसेस में मतलब बस एग्जांपल्स के वेरिएशंस हैं और हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो, ऐसा नहीं केवल डिहाइड्रेशन हो केवल डीकार्बोक्सिलेशन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए अभी हम लोग केवल सिंगल सिंगल केसेस को डिस्कस करते चले जा रहे हैं। जैसे अगर मान लो तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद है, तुमको मुश्किल तो लगता ही है, याद तो तुम लोग कुछ रहता नहीं है, एनहाइड्राइड का जब नोमेनक्लेचर करते थे तो उस टाइम पे बोलते थे कि ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन ऐड करो और बॉन्ड को ब्रेक करके उधर OH ग्रुप ऐड करो, मतलब यहाँ से दो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आता था बेसिकली। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आया तो इसका मतलब H और OH जो हम लोग ऐड किए वो पहले हटा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जब यहाँ से H और OH को हटाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर एनहाइड्राइड बनाना है तो एनहाइड्राइड के बनाते वक्त ऑब्वियस ही बात है डिहाइड्रेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन ही बेसिकली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर मान लो जैसे हम लोगों का सक्सीनिक एसिड है, सक्सीनिक एसिड का भी फॉर्मूला सबको ध्यान होगा मेरे हिसाब से, स्पेलिंग क्या होता है सक्सीनिक एसिड, हाँ चलो ठीक है, मान लो सक्सीनिक एसिड दे रखा, तो सक्सीनिक एसिड वाले पार्ट में हम लोगों का दो कार्बन दोनों के ऊपर COOH ग्रुप वाला पार्ट दे रखा। अगर मान लो इसमें हम लोग हीटिंग करते हैं तो बीटा गामा अनसैचुरेशन तो है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड अल्फा कार्बन अल्फा से अटैच्ड बीटा और बीटा गामा के बीच में अनसैचुरेशन नहीं है, तो डीकार्बोक्सिलेशन तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है छोड़ दिया। लेकिन जब इस तरह का केस होगा तो हम लोग का डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है, गिवन एक छोटा सा कंडीशन है, रिंग का साइज 5-6-7 तक बनना चाहिए। अगर रिंग का साइज 5-6-7 नहीं बन रहा तो इस केस में हम लोग का डीकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट या फिर कुछ और होना शुरू हो जाएगा, हम लोग का डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिंग में 5-6-7 मेंबर रिंग ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में नॉर्मली फीजिबल होता है, अदरवाइज फीजिबल नहीं होता। तो इस तरह के केस में अगर हम लोग हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करते वक्त एक कार्बोक्सिलिक यूनिट से एच हटेगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक यूनिट से OH हटेगा। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का इस कार्बोक्सिलिक यूनिट से H हटा, नीचे वाले पार्ट से OH हटा, मतलब यहाँ से H और OH ग्रुप को रिमूव कर दिया। तो अगर H और OH ग्रुप को रिमूव किया तो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट सीधा इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो हम लोगों के रिएक्शन में CH2 नीचे एक और CH2, उसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऊपर का ऑक्सीजन नीचे वाले के साथ अटैच हो रखा है। यहाँ पे हम लोग का एक साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है।
तो अगर हम लोगों का दो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा तो हम लोग इस तरीके से साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तभी साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, और भी केसेस होते चले जा सकते हैं। नोट करते जाना है तुमको, चीजें समझते भी जानी है, नोट भी करते जाना, बहुत तरह के वेरिएशन है, बस उन सारे वेरिएशन को हम लोग को पुटअप करते जाना है। हम नोट करने का अलग से टाइम देना प्रेफर नहीं करेंगे, इसमें लिखते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ, तो पैरेलल में चलेगा। अगर हम लोग सक्सिनिक एसिड वाले पार्ट की जगह पे ग्लूटरिक एसिड लेके चलते हैं, ग्लूटरिक एसिड वाले पार्ट में एक और कार्बन आ जाता है बीच में, ओम्स चाप्स में एक एक कार्बन बढ़ते जाता है, मालूम है तुम लोगों को। तो अगर हम लोग ग्लूटरिक एसिड लेके चलेंगे तो उस केस में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट के अंदर, लिख लेते पहले, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट के अंदर हम लोग का तीन कार्बन होगा। तो उस केस में जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो एक छोटा सा सिनेरियो कंसिडर किया जा सकता है कि अगर हम लोग इसके हीटिंग में एक कार्बन से एच हटता है, एक से ओ एच हटता है, हम साइड में स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में ओ एच ग्रुप दे रखा, एक दो तीन, नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में ओ एच, तो हम लोग का एक कार्बन से ओ एच हटेगा, दूसरे से एच हटेगा। तो इसका मतलब एक दो तीन चार पांच और ऑक्सीजन जब यहाँ कम्बाइन होगा तो सिक्स मेंबर रिंग बन सकता है। तो इस केस में हम लोग आराम से एक सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑक्सीजन कर सकते हैं, और ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, कि हम लोग के ग्लूटरिक एसिड के हीटिंग में आराम से कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि अब इसी पैटर्न पे हम लोग ग्लूटरिक एसिड की जगह पे एडीपी एसिड डालेंगे तो सेवन मेंबर रिंग बन जाएगा, लेकिन जब एडीपी एसिड की जगह पे हम लोग पीमेलिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। अगर हम लोग पीमेलिक एसिड डाल के चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों के इस रिएक्शन में, अगर हम लोग पीमेलिक एसिड लेके चलते हैं, मतलब एक मिनट, दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के बीच में ग्लूटरिक एसिड में तीन कार्बन है, एडीपिक एसिड में चार होता है, पीमेलिक एसिड वाले पार्ट में पांच होता है, अगर हम लोग पांच कार्बन लेकर के यहाँ पे चलेंगे तो इस केस में हम लोगों का अगर हीटिंग हुआ तो हीटिंग होने पर एक जगह से एच हटेगा, एक जगह से ओ एच हटेगा, मान लो ऐसा हम लोग ग्रुप हटा दिए, मान लेते हैं। तो इस केस में इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ का ऑक्सीजन अटैच होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, मान लेते हैं हम लोग सात कार्बन और एक ऑक्सीजन को मिला के आठ कार्बन। तो अगर हम लोगों का टोटल आठ का कार्बन चेन बन रहा है तो आठ के कार्बन चेन का फॉर्मेशन फिजिबल नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग इस तरह के सिनेरियो में ऐसा स्ट्रक्चर बना दे जहाँ पे एट मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लिख सकते हैं चार, हाँ अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कंसिडर कर ले एट मेंबर रिंग, तो इस तरह का स्ट्रक्चर फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा फिजिबिलिटी नहीं है तो कुछ यूनिक पार्ट होता है यहाँ पे। क्या यूनिक होता है ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट दे रखा और दोनों के बीच में हम लोगों का पांच कार्बन दे रखा, नीचे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यूनिट दे रखा। इस केस में सबसे पहला स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है, पहले स्टेप में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहाँ के एच प्लस के साथ कंबाइन करता है, तो जब ये पार्ट H+ के साथ कंबाइन किया तो बेसिकली ऊपर वाले OH ग्रुप में हम लोगों के OH2+ का फॉर्मेशन होता है, और उसके अलावा यहाँ पे तीन चार पांच और नीचे वाले पार्ट में O- का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद जो O- है, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म याद है तो जब हम लोग हीटिंग करते थे तो हीटिंग करने पे हम लोगों का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जाता था और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके हटा दिया करते थे हम लोग। तो इस केस में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके हटाया, यही चीज हम लोग के डीकार्बोक्सिलेशन में होता था। तो यहाँ से हम लोगों का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और डीकार्बोक्सिलेशन होने के अलावा यहाँ पे OH2+ है, इसमें दो कार्बन, फिर उसके अलावा यहाँ तीसरा कार्बन, फिर उसके अलावा यहाँ पे चौथा कार्बन और सी के ऊपर माइनस चार्ज। अब एक चीज सोच के देखो, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे नई रिएक्शन हो सकता है आराम से। इसका मतलब ये पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके ऐसे नई रिएक्शन कंसिडर करेगा। अगर ऐसे नई रिएक्शन हो गया तो एक दो तीन चार पाँच छ, इसका मतलब एक सिक्स मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से H2O बाहर निकला, मतलब डिहाइड्रेशन भी हुआ।
तो ऊपर के केसेस में हम लोगों को केवल डिहाइड्रेशन मिल रहा था, यहाँ से H2 हटा रहे थे, यहाँ से H2 हटाए, हर जगह डिहाइड्रेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन प्लस डिहाइड्रेशन दोनों भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। नोट कर लो इस चीज को, और ये फीमेलिक एसिड वाले पार्ट को स्टार मार करके रखना, ध्यान रखना है। अगर डिहाइड्रेशन से हम लोग का 5-6-7 मेंबर रिंग बन रहा तो डिहाइड्रेशन करा के छोड़ देंगे, बट अगर उससे छोटा रिंग या उससे बड़ा रिंग, उससे छोटा तो बन नहीं सकता, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता था, उससे बड़े रिंग में अगर डिहाइड्रेशन वाला पार्ट कराने से काम नहीं हो पा रहा, रिंग का साइज बढ़ रहा है, तो पहले डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, फिर डिहाइड्रेशन करा के हम लोग आराम से 5 मेंबर नहीं बना पाएंगे, 6 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग बना सकते हैं। कौन सा केस एग्जाम में पूछेगा कुछ नहीं मालूम, आज तक पूछा एक भी नहीं है, मतलब कुछ एक दो केस पूछा है वो सिंपल सा, बट इस तरह के केसेस में से आज तक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं पूछा गया। कौन सा पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारी किस्मत पर है, याद तो मेरे हिसाब से सब रखना ज्यादा बेटर होगा। और एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो अभी तक हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीटिंग कर रहे थे, बट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का केवल हीटिंग हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हम लोग हीटिंग वाले पार्ट में हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड की बात कर सकते हैं, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट की जगह पे हम लोग अगर हाइड्रोक्सी एसिड से हीटिंग करें तब भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट का मतलब समझ में आता होगा तुम लोगों को, हाइड्रोक्सी एसिड मतलब एक तो एसिड हो और दूसरा उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप वाला पार्ट हो, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। जैसे अगर हम लोग को OH ग्रुप भी डालना है और COH भी ग्रुप डालना है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम लोग का एक कार्बन हो, एक तरफ OH ग्रुप एक तरफ COH ग्रुप हो, जब इसमें हम लोग हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे डिहाइड्रेशन डीकार्बोक्सिलेशन कुछ भी होने का चांस नहीं दिखाई देता है। तो ये पहला केस है जिसको थोड़ा ध्यान रखने का है। इस केस में हम लोग इस तरह के दो यूनिट्स लेके काम करते हैं और उन दो यूनिट्स के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट कंसिडर करना है तो हम लोग आराम से ऐसा कुछ दिमाग लगाते हुए काम करते हैं बेसिकली ये चीज। अगर हम लोग हीटिंग करते हैं तो ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना होता है तुम लोगों को, जब ईस्टर का फॉर्मेशन करते जो 10th क्लास में दे रखा, बस उसमें एक चीज ध्यान रखना कि हम लोगों का जो अल्कोहल है, मैकेनिज्म बहुत सारा है, मैकेनिज्म एक्चुअल में 4 या 5 या 6 है, बट हम लोगों के सिलेबस में जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाया करते हैं और अल्कोहल से H हटाया करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। मतलब COH का OH ग्रुप हट जाता है और अल्कोहल वाले पार्ट का H ग्रुप हटता है, तो इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी ईस्टर वाले पार्ट का जो फॉर्मेशन होगा, उस ईस्टर के फॉर्मेशन में अल्कोहल के तरफ से जो ऑक्सीजन है वो चीज नॉर्मली प्रेजेंट रहा करेगा। हम लोग सिलेबस में ये पार्ट दे रखा है, सिलेबस के अलावा और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट ठीक है उतना हमने काम करना ही होगा, ये एक चीज थोड़ा ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन का टाइप ऑफ चीज है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर H+ यूज नहीं करेंगे तो ईस्टरीफिकेशन नहीं हो सकता, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H+ कैटलिस्ट के जैसा यूज कर रहा है तो हीटिंग वाला पार्ट भी कैटलिस्ट के जैसा यूज कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटेगा और अल्कोहल से H हटेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटेगा और अल्कोहल वाले पार्ट से मतलब OH वाले ग्रुप से H हटेगा। तो अगर यहाँ से H2 हटाए, नीचे से भी H2 हटाए, तो इस पूरे पार्ट की वजह से ये कार्बन वाला पार्ट इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, फिर यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कुछ ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन इससे एक ऑक्सीजन अटैच है, फिर नीचे यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ से एक ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पार्ट इससे अटैच है, ये पार्ट इससे अटैच है, एक 6 मेंबर रिंग का साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये चीज दिया इसके 2 मोल को लेके हम दो रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर हाइड्रोक्सी एसिड में एक कार्बन के ऊपर OH और COH ग्रुप दिया तो ऐसा बोला जा सकता है।
छापते जाइए। बिहार में इलेक्शन कौन जीता जी, पता चला अभी तक? सूरज कुमार, नहीं इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है तुमको? पढ़ लिख के क्या करेगा बताओ, नेता वेता बनो, थोड़ा पैसा वैसा कमाओ, क्या पढ़ लिख करके कुछ मिला है किसी को जिंदगी में? बच्चों ने बोला जाता ना, बच्चे ही देश का भविष्य है। क्या तुम लोग भविष्य बनेगा, तुम लोग को पता ही नहीं भविष्य तुम्हारा बिगाड़ा जा रहा है। अगर इसको नोट कर लिया होगा तो इसके बाद हम लोग इसमें जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोल सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच्ड टू अल्फा कार्बन है, तो इस केस में इसको कॉमन नेम वाइज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोला जा सकता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो इसकी जगह बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी बोला जा सकता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट में भी हम लोग हीटिंग करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो इस केस में जब हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लेके चलेंगे तब उस केस में थोड़ा एक नया पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना होगा। इनफैक्ट ये बहुत ही यूनिक पार्ट है, इसको तो ध्यान रखना मस्ट है। जैसे एक चीज सोच के देखो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से का हेडिंग तो हम डलवा दिए, इससे पहले हम इसके नीचे वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, तो ज्यादा मजा आएगा। गामा हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब COH जिस कार्बन से अटैच्ड अल्फा, अल्फा से अटैच्ड बीटा होता है, बीटा से अटैच्ड गामा होता है, इसके ऊपर हम लोग का OH ग्रुप होना चाहिए। अगर हम लोग हीटिंग करेंगे मान लो, तो हीटिंग करने पे अगर दो मोल लेके चले, दो मोल पूरा मोल खिलकर लेके चल रहा है, तो यहाँ से H हटा, यहाँ से OH हटा, तो एक दो तीन चार पांच, और डबल होगा तो 10 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो 10 मेंबर रिंग तो नहीं बनने वाला, तो मुश्किल है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर मान लो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है और तीन चार और OH ग्रुप, ये चीज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा और अल्कोहल वाले पार्ट से, मतलब OH वाले पार्ट से H हटा, तो यहाँ से ये पार्ट अटैच हो सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग का गामा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, सॉरी गामा हाइड्रोक्सी एसिड वाला पार्ट है, तो इस केस में हम लोगों के 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन फिजिबल है, मतलब एक साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन फिजिबल है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के जैसा ही पार्ट है, यहाँ पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का तुमको आइडिया लग जाएगा। जब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बताएंगे तो तुमको बस हम केवल कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसका मैकेनिज्म बताएंगे, तो तुमको दो तीन नया ज्ञान मिलेगा, बट अदरवाइज चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो इस केस में हम लोग को एक साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन मिल रहा होगा, इस एक चीज को हम लोग थोड़ा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं अगर गामा हाइड्रोक्सी एसिड रहा तो। तो अगर मान लो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट का मतलब हो गया कि जो COH वाला ग्रुप है वो जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा के ऊपर OH ग्रुप होना चाहिए। एक चीज सोच के देखो, अगर यहाँ हीटिंग की है तो H हटा और OH हटा, तो चार एटम ऊपर, चार एटम दूसरे तरफ से आएगा, अगर दो यूनिट लेके चले तो 8 मेंबर रिंग बनेगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग का 8 मेंबर रिंग बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाया जा सकता है। एक दो तीन चार ऑक्सीजन, फिर पांच छ, और यहाँ वाले पार्ट में 7, और यहाँ पे ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा 8 मेंबर रिंग बनाया जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर हम लोग नीचे के जैसा रिएक्शन कराए, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा दिए एस्टरीफिकेशन टाइप का, तो H हटेगा, OH हटेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा, इसका मतलब हम लोगों का 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईस्टर टाइप का फॉर्मेशन होना चाहिए। 4 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल है, ये नहीं बनना चाहेगा, 8 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल है, ये भी नहीं बनना चाहेगा, तब क्या होगा? तो इस केस में एक्चुअल में ना हम लोग का 4 मेंबर्ड रिंग बनता है, ना हम लोग का 8 मेंबर्ड रिंग बनता है। इस केस में डिहाइड्रेशन तो होता है, बट डिहाइड्रेशन होने का तरीका बड़ा यूनिक हो जाता है। इस केस में जो हम लोग का यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ पे जो H ग्रुप है, ये पार्ट डिहाइड्रेशन में जाता है,
मतलब जैसे इलिमिनेशन कराते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में, E2 इलिमिनेशन टाइप का उस तरह का चीज होता है। इस केस में अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में हम लोगों का एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इस चीज को 4-5 स्टार मार्क करके रखना बहुत यूनिक टाइप का चीज आता है। ना 8 मेंबर रिंग बनेगा ना 4 मेंबर रिंग बनेगा, तो रेदर देन हम लोग का OH का जो कार्बोक्सिलिक एसिड और OH के बीच में रिएक्शन के हम लोग का अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होकर के एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। छाप लो इस चीज को, और इसको छापने के बाद तुरंत नीचे वाले पार्ट को भी छाप लेना। और जैसा हम लोग हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट में हीटिंग कर रहे हैं, सिमिलर टाइप से हम लोग हीटिंग वाला पार्ट अमीनो एसिड में भी कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड वाले पार्ट का मतलब था OH और COH ग्रुप, तो अमीनो एसिड वाले पार्ट का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं NH2, और साथ ही साथ मतलब अमाइन भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड COH वाला पार्ट भी होगा। फिर से सेम सिनेरियो, अगर हम लोग का अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट रहा तब क्या होगा। अल्फा अमीनो वाले पार्ट का मतलब एक कार्बन के ऊपर COH वाला ग्रुप भी है और इसी के ऊपर NH2 वाला भी ग्रुप है। अगर ये सिनेरियो रहा तब उस केस में हीटिंग करने पे जैसा हम लोग का OH ग्रुप था एग्जैक्टली उसी तरह का केस यहाँ पे निकल के आएगा, और इस सिनेरियो वाले पार्ट में हम लोग आराम से NHC डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। ये हम लोगों का पहले वाले केस में प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग अल्फा अमीनो की जगह पे बीटा अमीनो एसिड वाला पार्ट लेके चलते हैं तो ऊपर केस देख रखा है। अगर बीटा अमीनो एसिड लेकर के चलेंगे मतलब दो कार्बन, फटाफट छापते जाओ सब लोग, दो कार्बन जिसमें हम लोग का NH2 और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो इस केस में 4 मेंबर रिंग 8 मेंबर रिंग दोनों अनस्टेबल है, तो हम लोग का डिहाइड्रेशन रिएक्शन वाला पार्ट की जगह पे अमीनेशन टाइप का कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, तो उस केस में आराम से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो जाने का है। अगर हम लोग गामा अमीनो एसिड लेकर के चलेंगे तो गामा अमीनो एसिड वाले पार्ट में हम लोग हीटिंग करने पे ऐसा ले सकते हैं 1, 2, 3 COH अल्फा बीटा गामा, और यहाँ वाले पार्ट पे हम लोगों का NH2 वाला पार्ट है, तो इस केस में हीटिंग जब करेंगे तो हम लोगों का NH वाले पार्ट से मतलब NH2 वाले पार्ट से हम लोगों का H हटेगा और COH से हम लोगों का OH ग्रुप हटेगा, और आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा हम बताना भूल गए, एक चीज एक मिनट नोट मत करो, ये ऊपर वाले पार्ट में नोट कर लो, ये जो साइक्लिक ईस्टर होता है इस चीज को हम लोग लैक्टोन बोला करते हैं, कॉमन नेम इसका लैक्टोन चलता है। अगर साइक्लिक ईस्टर हुआ तो लैक्टोन बोलेंगे, और क्योंकि गामा हाइड्रोक्सी एसिड से आया है तो इस चीज को हम लोग गामा लैक्टोन बोल सकते हैं। अगर डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड से आया होता तो इस चीज को हम लोग डेल्टा लैक्टोन बोल सकते हैं, मतलब अगर ये कंपाउंड होता तो इस चीज को हम लोग डेल्टा लैक्टोन आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो नाम लैक्टोन, एक जगह हम लोग लैक्टोन वर्ड यूज करते हैं, एक जगह हम लोग लैक्टम वर्ड यूज करते हैं, जो अमाइन वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग लैक्टम वर्ड यूज करेंगे। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में ये जो कंपाउंड है इस चीज को हम लोग गामा लैक्टम बोल सकते हैं। अगर इसी के जगह पे हम लोगों का डेल्टा वाला पार्ट हो गया तो डेल्टा वाले पार्ट में डेल्टा लैक्टम बोलेंगे, बट अगर मान लो हम लोगों का 5 कार्बन उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे NH2 है,
अगर इसमें रिएक्शन कराते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट इसमें रिएक्शन हो गया, यहाँ से OH ग्रुप हटेगा, यहाँ से H ग्रुप हटेगा, प्रोडक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नाइट्रोजन को मिला के 7। तो इस केस में एक 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने का है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज का कॉमन नेम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये तुम्हारे आगे जिंदगी में काम आएगा, जिंदगी में मतलब बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर वाले पार्ट में काम आएगा। इस चीज को हम लोग पॉलीमर वाले पार्ट में काम आएगा कैप्रोलैक्टम। इसी कैप्रोलैक्टम वाले पार्ट को जब हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन मिलता है। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है उस चीज को हम लोग कैप्रोलैक्टम आराम से बोल सकते हैं, नोट कर लो। और उसके अलावा हीटिंग का एक केस बाकी है केवल, ड्राई डिस्टिलेशन, उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का डीकार्बोक्सिलेशन और हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट समाप्त। एक छोटा सा हेडिंग डाल देना है यहाँ पे, ड्राई डिस्टिलेशन। ऑल्दो ये टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी में उसमें दे रखा है, एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट के फॉर्मेट में दे रखा है, बट फिर भी नाम ध्यान रखना, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन वाले पार्ट में हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लो अगर हम लोगों का कैल्शियम सॉल्ट दे रखा है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का, तो कैल्शियम एसीटेट अगर लेकर के चले हम लोग, कैल्शियम एसीटेट वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग CH3COO का 2 यूनिट कैल्शियम के साथ कंबाइन करके चल रहे हैं। तो जब हम लोग इस कंपाउंड वाले पार्ट में हीटिंग करेंगे तो हम लोगों का एक तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में डाला जा सकता है, एसीटोन का प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा हम लोग का CO2 वाला पार्ट बाहर निकल के चला जाता है, जैसे एक चीज का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। और बाकी उसके मैकेनिज्म से थोड़ा सा हम लोग एक रिलेवेंस होगा, कुछ ऐसा मैकेनिज्म आता है CH3C(O)-, कैल्शियम वाले पार्ट के साथ 2+ दे रखा, तो ये भी पार्ट आयनिक बॉन्ड से कंबाइन कर रखा, और एक और इसी तरह का O- वाला पार्ट आयनिक बॉन्ड के साथ हम लोग के कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो ऊपर जो हम स्टेप मेंशन किए थे वही स्टेप यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाना चाहेगा, जिसकी वजह से, और क्योंकि हम लोग हीटिंग यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ से कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके हटेगा, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा हम लोगों का, वही चीज नीचे हम लोगों के कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ से इसको हटाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, थोड़ा भूल गया, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एसीटोन प्लस CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इस कार्बन के कार्बन पे गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके हटाया यहाँ से, तो ये कार्बन इस पार्ट पे एड हुआ, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं। मतलब CH3 वाला पार्ट के साथ ये C(O) CH3 का एडिशन हो गया, पहला चीज। उसके अलावा हम लोगों का ये पार्ट हट गया, पहला चीज, और ये पार्ट आपस में कंबाइन हो गया, तो CaO का फॉर्मेशन जो सबसे लास्ट में लिखे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन। तो कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि CaO प्लस CO2 इसको कंबाइन करके CaCO3 दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेन पार्ट ये ध्यान रखना है, एसीटोन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। और इस चीज को ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बिना किसी मीडियम के हीटिंग करके रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना ड्राई डिस्टिलेशन वाले पार्ट का। ये तुम्हारे हीटिंग इफेक्ट के सारे पार्ट थे जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, सारे केसेस का ध्यान रखना। बाकी एक छोटा सा वर्कशीट देंगे तुम लोगों को, उस वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं सिमिलर फॉर्मेट्स में होंगे, बस बचे हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ यूनिक केसेस हैं, उन सब क्वेश्चंस को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तुम लोगों के एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन है, बेसिकली उस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन वाला पार्ट, ताकि हम लोग एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन हो जाए। एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन हीटिंग से ही आता है, भले तुम डिहाइड्रेशन के लिए H+ के साथ हीटिंग करो या डायरेक्टली हीटिंग करो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, तो उन क्वेश्चन को भी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो तुम्हारे बुकलेट में
कार्बोनिल कंपाउंड का बुकलेट और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का बुकलेट, ये भी चीज हम लोगों को दे करके क्वेश्चंस में होमवर्क वाला पार्ट एज अ फॉर्मेट मेंशन करते चले जाएंगे। मतलब ये सब टॉपिक्स हम लोगों का कवर हो चुका है। अब तुम्हारे अभी तक के नॉलेज के हिसाब से उनमें से 50-60% क्वेश्चंस, 70% क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद से सॉल्व करते चले जाना है। बस हम क्वेश्चन मार्क कराएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ जो 30% क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। नेम्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट नेम्ड रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बाकी बचे 30% हम लोग को कंसिडर करना है। तो हम लोग आराम से नेम्ड रिएक्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को कौन कौन सा बुकलेट भेजा था? एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड जो तुम लोगों को भेज दिया है मैंने, तो अगर भेज दिया है तब तो फिर तुम लोगों को ट्राई करना भी है क्वेश्चंस का, भेज दिया तो क्वेश्चंस ट्राई करना है। एक मिनट रुक जाओ, मजा आएगा क्वेश्चन ट्राई करके। हम तो यही सजेशन देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत मजा आता है। अगर अभी तक का रिएक्शन में किसी ने समझ में आया है तभी आएगा, ऑब्वियसली बात है, और नहीं किया है तो फिर तो भगवान भला करेगा तुम्हारा। गया भाई, कार्बोनिल कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, बुकलेट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क देंगे अभी, तुम लोग उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट क्लास में सूरज बोला भी था कि वो तो सर पढ़ा चुके हैं, बस रिएजेंट्स चेंज होगा, हर एक रिएजेंट में छोटा 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 पॉइंट आता जाएगा, बट मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म कहीं भी कुछ भी नया नहीं आने वाला, इसलिए हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व दे सकते हैं। तुम लोग केवल कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स के लिए डिस्कशन करेंगे और नेम रिएक्शन का पार्ट देखना है। कार्बोनिल कंपाउंड का बुकलेट तुम्हारे ग्रुप में लास्ट क्लास में भेजे थे, तो कार्बोनिल कंपाउंड के बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है पूरा। उसके बाद टू का ए और सी ट्राई करना है। जो बी वाला पार्ट है ये विटिक रिएक्शन, ये तुम लोगों के नेम रिएक्शन में हम लोग कवर करेंगे। इसको अल्कीन के प्रिपरेशन में भी कंसिडर किया जाता है। सवाल बहुत सिंपल सा है, मतलब मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है, करना कुछ नहीं होता। कीटोन या एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ से ये ग्रुप हटाओ, तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि इस पूरे ग्रुप को हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं। अगर इसको हटाएंगे तो इस कार्बन पे यहाँ का कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, और बाकी पी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन 3 PH के साथ, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट सिंपल सा है, बस हम लोग उस रिएक्शन को नेम रिएक्शन में देखेंगे, तो इसलिए उस चीज को अभी के लिए छोड़ देते हैं। सेकंड का ए और बी बनाना है तुम लोगों को। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करना है। 4, 5 कल क्लास है क्या मेरा बताओ कोई? किसी को मालूम भी नहीं मेरा क्लास है कि नहीं है? नहीं है सर। ओके, नहीं है तो फिर तो दिवाली आ जाएगा, परसों से छुट्टी मिलेगा तुम लोगों को, छुट्टी ज्यादा दिन का नहीं है, तुम्हारा क्लास चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
एक तुम लोग ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को रीड करना है थोड़ा, ठीक है चलो बता ही देंगे। वैसे एक चीज ट्राई करके आना अगर हो सके तो, तुम्हारा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बुकलेट था उसमें ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को एक बार रीड करना, रीड करके रखना ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझा पाए तो ज्यादा बेटर होगा। ऑक्सीडेशन का जो भी रिएजेंट है, सिंपल सा केस है सारा का सारा, उन सबको एक बार रीड करना, सारे रिएजेंट्स को बस एक बार रीड करने की कोशिश करना, देखना कि क्या रिएजेंट क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कि इसमें ऑक्सीडेशन के बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं जो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, मोस्टली ऑक्सीडेशन और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन हर एक पार्ट में इंक्लूडेड है, क्योंकि अब सवाल इस तरह का बड़ा बड़ा रहेगा, एक पार्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसमें तीन चार पार्ट रहेंगे। जैसे यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन दे रखा, ऑक्सीडेशन दे रखा, फिर उसके अलावा यहाँ पे एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग दे रखा, मतलब हीटिंग का भी स्टेप दे रखा है, फिर उसके बाद Br2NaOH का भी फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन में ये भी चीज दे रखा है। तो अब चार पांच रिएक्शन कॉम्बिनेशन में ही चलेंगे, इसलिए लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड भारी लगता है, मतलब मेरे हिसाब से भारी नहीं है बट लोगों को भारी लगता है, क्योंकि उनको एक एक पार्ट का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। बट ज्यादा बेटर यही होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चार पांच पार्ट है, ऑलमोस्ट लाइक कि हम लोग आरबीडी सॉल्व कर रहे हैं। रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स लोगों को भारी इसलिए लगता है कि उनको हर एक पार्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, तो आरबीडी अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कवर हो जाता है, वर्क पावर एनर्जी भी कवर हो जाता है, कोलिजन भी कवर हो जाता है, इस तरह का चीज मल्टीपल टाइप से कवर हो सकता है, वही चीज यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ए पार्ट और सी पार्ट